नमस्कार, स्वागत आप सभी का सीएमएन पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता का मूड। लोकसभा चुनावों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी जीत के समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर हमने भी जनमानस को टटोला तो कई रोचक बातें सामने आई। आइए हम आपको दिखाते हैं बुलंदशहर से संवाददाता रिजवान अंसारी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रिजवान अंसारी। आज मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद में। आइए जानते हैं क्या है मोदी का जादू, अभी भी कायम है। जनता की जबानी आप खुद फैसला करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या मोदी का जादू आज भी कायम है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा देश मोदी के शासन में कितना त्रस्त हुआ है और गरीब जनता में, मजदूरों में, किसानों में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने ये फैसला किया है कि इस बार 2019 के चुनाव में मोदी और बीजेपी का सूपड़ा साफ करके, इनका बिस्तर उठा के, फकीर को झोला दे के, चौकीदार को किसी कीमत पर यहाँ रखना नहीं है, चौकीदार को चौकीदार की हैसियत दिखानी है। और एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री की हैसियत क्या होती है? प्रधानमंत्री देश का राजा होता, वो चौकीदार कैसे हो सकता है? ये सब पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, चौकीदार की हकीकत जानिए, 2500 रुपये लेता, 3000 रुपये तनख्वाह रहता, पूरी पूरी रात जागता जब वो चौकीदारी करता। कोई अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता, कोई डॉक्टर बनाना चाहता, कोई इंजीनियर बनाना चाहता, कोई IAS बनाना चाहता, कोई PCS अधिकारी बनाना चाहता, कौन जाएगा अपने बेटे को चौकीदार बनाना? क्या हम अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, क्या हम चौकीदार बनाएंगे? हम अपने बेटे को IAS बनाएंगे, PCS बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, चौकीदार क्यों बनाएंगे? क्या चौकीदार की भी कोई नौकरी है? चौकीदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, इस बीजेपी द्वारा। हम ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, इस देश से बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। मोदी से महागठबंधन में भूचाल मचा है? नहीं, महागठबंधन से बीजेपी में भूचाल मचा हुआ है। महागठबंधन से मोदी डरा हुआ है, बीजेपी सरकार डरी हुई है। महागठबंधन ये दिखा देगा, देश की जनता ये दिखा देगी कि कौन किससे डरा हुआ है। क्या घर घर मोदी का नारा आज ही बरकरार है? ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का डंका बजा हुआ है और मोदी जी को तो उत्तर प्रदेश से भगा दिया ही जाएगा। मोदी को हराने का जोखिम कौन उठाएगा? मोदी को हराने का जोखिम जनता उठाएगी। जो चौकीदार हैं वे चोर हैं, वे किस लिए चोर हैं? किसानों के यूरिया कट्टे में से 5 किलो यूरिया निकाल खा गए, जो कि 50 किलो कट्टा आता था उसको 45 किलो कर दिया गया। किसानों को गन्ने का भुगतान आज तक नहीं किया गया। ये चौकीदार चोर हैं, इसको जनता सबक सिखाएगी और सूबा साफ हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन की लहर पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारत में लहर चलेगी? क्या मोदी फिर महागठबंधन पर भारी पड़ेंगे? नहीं, महागठबंधन मोदी पर भारी पड़ेगा और जनता उन्हें अब की बार सबक सिखा करके रहेगी। जो काला धन था वो नहीं आया, पर 2 करोड़ रोजगार युवाओं को नहीं मिले, 370 धारा हटी नहीं, राम मंदिर बना नहीं, मोदी चोर है और यहाँ से चौकीदार को भगा कर ही रहेंगे। क्या अभी भी भाजपा की लहर है? नहीं, दिखाई जा रही है भाजपा की लहर है कहीं नहीं, ये केवल मीडिया को मैनेज करने के बाद में ही, जो रात दिन टीवी पर पत्रकार दिखाते हैं, शाम को टाई लगा कर बेल्ट लगा कर बैठ जाते हैं 9 बजे करीब, वो केवल पत्रकार जमीन पर घूम कर देखिए, लोग शहरों में जाते हैं केवल पत्रकार दिखाने के लिए, गाँव में कोई नहीं जा पाता है। गाँव में भी जनता बैठी हुई है, गाँव से कोई नहीं पूछता कि हाँ पत्रकार क्या कह रहे क्या नहीं कर रहे, ये 2-4 लोग पत्रकार पर दिखा देते हैं, उनको लहर जता देते हैं, बाकी लहर कहीं नहीं है। ये लहर से डरे हुए हैं, मीडिया को मैनेज करने के बाद ही अपनी लहर को दर्शाया जा रहा है। अभी बताइए कि ये महागठबंधन जो हुआ है, क्या महागठबंधन का जादू बरकरार है या मोदी का जादू बरकरार है? देखो भैया, जहाँ तक शहर की बात है, व्यापारी वर्ग की जिन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं बीजेपी वाले जी, वो केवल मोदी मोदी की बात करते हैं। गांव की गरीब और किसान जनता जो निर्णायक भूमिका निभाती है लोकतंत्र में, वो गांव में निवास करती है। किसी मुल्क की तरक्की का रास्ता भी गाँव से ही निकलता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो मजदूर हैं या किसान हैं, यानी खेती संबंधित हैं, वो सब दुखी हैं और वो चाहते हैं किसी भी प्रकार इस झूठे प्रधानमंत्री का, हम मतलब इस झूठे प्रधानमंत्री से जनता का पीछा छूट जाए। किसान बहुत दुखी है, ये झूठे नारे लगाते हैं, इन्होंने वादा किया हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 23 दिनों के दाम तय कर दिए, मंडी समिति के द्वारा आदेश आ गए
बोर्ड लगवा दिए गए, जब उस पर चर्चा हुई कि भाई रेट कहाँ मिल रहा है, इसकी खरीदने की व्यवस्था नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है, रेट कैसे मिलेगा, तो वो बोर्ड उतरवा दिए गए। आदेश मंडी समिति में रखे हुए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ना आज तक कोई भी बीजेपी का आदमी ये बता पाया किसान के सामने दुगनी कैसे करेंगे, केवल बात करते हैं। किसान दुखी है और अब की बार इन्हें सबक सिखा के ही उससे जो है सारा आज तक ये नहीं बता पाए कि जितनी हमारी चलन में थी उससे ज़्यादा पैसा जमा हो गया, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए हमने कितना पैसा जमा करा। दूसरा 1020 की आज तक गैस की सिलेंडर कट गई, आज 700 का हो गया, कहाँ से आ गई आज 700 कौन सा सिलेंडर। दूसरा 85-86 पे पेट्रोल पहुंच गया, आज जो उन्होंने कम कर दिया कहाँ से, कहीं नहर कट गई या समुद्र में से पानी आ गया। तो ये तो यूँ है कि इन्होंने जनता का जो 11 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाला है, आज वो चुनाव में पानी की तरह बहा रहे हैं बीजेपी वाले। जनता की लूट बचाई है इन्होंने, और आ गए अगर किसी वजह से ये आ गए तो 150 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, 1500 का सिलेंडर हो जाएगा। तो ये तो जनता को लूटने के लिए पैदा हुई हैं बीजेपी वाले, और इनका कोई मतलब ही नहीं आज तक।